नमस्कार दोस्तों, जॉब अलीबाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 अमीन होंगे बहाल, यानी कि 10,000 अमीन की भर्ती होने वाली है राजस्व भूमि सुधार विभाग में। जो मंत्री हैं इसके दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने कहा है कि 10,000 अमीन की जल्द बहाली होगी। और उन्होंने बताया कि कई सारे जो अमीन की संख्या कमी होने के कारण जो जमीन से जुड़े मामले हैं वो फंसे हुए हैं, जिसके कारण सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए जो है 10,000 से अधिक अमीन के बहाली करने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। जो शिक्षा विभाग से ट्रांसफ़र हुए और भूमि सुधार विभाग में आए हुए हैं के पाठक, उन्होंने अब बड़ी मतलब कि इसमें चेंजिंग करने का जो शुरुआत है, 10,000 अमीन की बहाली करने का मतलब कि मामला उनके पास गया। वो विभाग दोनों आदमी बैठ के, या मंत्री जो है भूमि सुधार विभाग मंत्री और SES दोनों आदमी बैठ के, या बिहार से जुड़े जो जमीन से जुड़े मामले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से ही हैं, इसी कारण से अमीन की बहाली करने हैं, सरकारी अमीन की भर्ती करने हेतु यह सभी मतलब कि माह के अंत तक 10,000 जो अमीन की बहाली करने का तैयारी किया गया, निर्णय लिया गया। और जो अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की प्रकृष्टा है, इसीलिए फैसला लिया गया है कि 2 साल से अधिक जुड़ा कोई राजस्व कर्मचारी अगर निगाह निकाय या अन्य स्थान पर जमे तो इसे पंचायत में भेजना है। और सभी जिला पदाधिकारी को राजस्व कर्मचारी का तबादला करने का निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे तो भ्रष्टाचार तो मतलब कि भूमि विभाग में है ही, और राजस्व विभाग में और भूमि सुधार विभाग में है, और भूमि सुधार की बहुत ज़रूरी है अमीनों की बहाली के लिए। और अमीन की बहाली जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चाहिए अपने दोस्तों को जो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।